It's all about humanity. सो वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो प्रवी सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं ऑटो लीड कार एसेसरी जो कि अपना करोल बाग में है। हमारे साथ भाई भाई नाम बताइए अपना। गोलू तिवारी। गोलू भाई हमारे साथ है। आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2024 किया कैरेंस उत्तराखंड से और प्रीमियम से ऊपर वाला मॉडल है प्रेस्टीज मॉडल। ठीक है। और प्रेस्टीज मॉडल के अंदर सारा ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। क्या बात है, ये भी अपना बेस ही रहने वाला है। बेस से ऊपर वाला मॉडल है। बेस से ऊपर वाला जो उधर खड़ा और ये बेस मॉडल है। ये बेस मॉडल है, मतलब बैक टू बैक आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं जो कि कैरेंस ले रहे हैं और मेरे पास आते रहे भैया मॉडिफिकेशन कर दो। ठीक है, आज तो लग जाएगा वो आइटम। हाँ लग जाएगा या नहीं लगेगा? लगेगा। आप लोगों के लिए ऐसी चीजें ला रहा हूँ ना मैं जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया तो नहीं कहूँगा, फर्स्ट टाइम इन दिल्ली रहेगा जो कैरेंस मॉडिफिकेशन करने में आता है ना, वो मेरी टक्कर नहीं ले पाएंगे। चलो भाई ठीक है, ना टक्कर ना रेट का टक्कर है। किसी भी चीज का टक्कर नहीं ले सकते, पार्ट्स में भी रेट्स में भी। चलो भाई ठीक, पार्ट दिखा करके रेट लेना एक अलग चीज है और रेट देना एक अलग चीज है। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं फ्रंट से। गाड़ी में फ्रंट में क्या क्या काम किया? सबसे पहले बात करूं तो DRL लगाया, डे टाइम रनिंग लाइट हेडलाइट के अंदर में। ठीक है भाई। हेडलाइट में LED लगाया है। ओके। नीचे फोग लैंप लगाए हैं। ठीक है। इसका वर्किंग हम आपको लास्ट में एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे और वीडियो की एंडिंग करेंगे। ठीक है भाई। ये अपना रो रहने वाली है वीडियो भी। हाँ, अभी आपको अलॉय व्हील इसमें नहीं मिलता, अलॉय व्हील आप लगवा सकते हैं। स्टील रिम्स आते हैं गाड़ी के अंदर, अलॉय व्हील चेंज करवा सकते हैं। ठीक है भाई। साइड पर में फुटरेस्ट कैरेंस की ब्रांडिंग वाला फुटरेस्ट आप लगवा सकते हैं हमारे पास। मिरर क्रोम लगा चुके हैं इसके अंदर। और बेस मॉडल में आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, लेकिन प्रेस्टीज मॉडल के अंदर फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलेगा, मिरर यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है भाई, वहाँ पे अपना इंडिकेटर मिल जाता है बेस में। हाँ ठीक है। और इसमें ऑटो एडजस्टमेंट आता है, ऑटो फोल्डिंग नहीं आता है। ऑटो फोल्डिंग के लिए मिरर आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई। ठीक है ठीक है भाई। ऊपर रूफ लग के आता है, एंटीना लग के आता है, डोर वाइजर भैया ने कंपनी से लगवाया, लोअर विंडो गार्निश कंपनी से लगवाया, हैंडल क्रोम कंपनी से लगवाया, साइड बिडिंग कंपनी से लगवाया। भाई अगर ये गार्निश कंपनी से लगवाई तो पीछे वाला पार्ट क्यों नहीं लगाया? पीछे वाला पार्ट कंपनी क्वार्टर ग्लास चेंज करती है पूरा, वो खाली क्रोम नहीं लगाती। अच्छा ठीक है ठीक है, वो हम लगा देंगे पीछे वाला। हम भी लगा देंगे, वो अधूरा पार्ट अभी पूरा करेंगे। ठीक है। बाकी बात करूं तो पीछे अभी रिफ्लेक्टर लाइट लगा चुके हैं इसके अंदर। अच्छा। रियर गार्ड लग गया सेफ्टी वाला। ठीक है। और ऊपर की तरफ डिग्गी लाइट भी लग गया है। डिग्गी लाइट। हाँ डिग्गी लाइट भी लग गया। अच्छा, बीच वाला। जी ठीक है भाई। बोट लाइट भी लग गया। बोट लाइट लग के आता है, LED बल्ब चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, LED बल्ब चेंज। ये गार्निश सारी लग के आती है? ये गार्निश सब कंपनी से लगवाया भैया ने, वहाँ उसके पैसे एक्स्ट्रा पे करे हैं, लग के नहीं आता मॉडल के अंदर। ठीक है ठीक है जी। उसके बाद डुअल डैम्पिंग हो चुकी है, हो चुकी है यूनिफायर की। हाँ। उसके बाद नीचे की तरफ फ्लोरिंग हो गया पूरी गाड़ी में। ठीक है भाई। लाइट बड़ी फैक्ट्री है नीचे। हाँ, अभी लाइट लगाना बाकी है ना मेन लड़का। ठीक है। अभी कैरेंस का वेलकम लाइट लग गया है। ओके। 70 मैट डल गए हैं। ठीक है भाई। सीट का रूट का और लग रहे हैं, अभी लग जाएंगे। अच्छा हाँ। गाड़ी पूरी खोली हुई है, गाड़ी पैक करते हैं फिर दिखाते हैं। वो चीज लग चुकी है, अभी दिखाएंगे नहीं, लास्ट में दिखाएंगे। लगा दे करिए वाला कॉइन वाला एल। ठीक है, अभी दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, प्राइस भी बताएंगे इसका। ठीक है, बाद में बिल्कुल। रियर डोर में आप चेकआउट कर सकते हो भाई, डैम्पिंग प्रॉपर हो गई है, पिछला सीट कवर की फिनिशिंग भी देख पा रहे होंगे। ठीक है भाई, अभी दिखाएंगे सारा, वो करके दिखाएंगे, वो सब कुछ करके दिखाएंगे भाई। ठीक है, एक बार चलते हैं दूसरी वाली गाड़ी पे। हाँ जी, वो बिल्कुल बेस रहने वाला है, ये बेस मॉडल रहने वाला है। अच्छा। इसके अंदर DRL अभी नहीं लगा, इस तरीके से DRL नहीं लगा हुआ होता है। ठीक है। हेडलाइट के अंदर अभी हैलोजन बल्ब है, LED चेंज करेंगे इसके अंदर। ठीक है। और नीचे फोगलेट लगाने का ऑप्शन रहता है आपके पास। ऑप्शन रहता है, ये तो बिल्कुल ब्लैक ही आती है। और कंपनी देती है व्हाइट कलर का मिरर किसी भी मॉडल में। व्हाइट। हाँ, इसको हम अभी सिल्वर पेंट कर देंगे। ठीक है। साइड में फेंडर पे इंडिकेटर तो बेस मॉडल है। बेस मॉडल है। इसको भाई ढकने के लिए अपना जो जुगाड़ आता है 1600 वाला। हाँ 1600, 1450, 1800 तीन चार क्वालिटी है। चलो भाई ठीक है। ये डोर गार्ड लगे हुए हैं पहले से। इसमें डैम्पिंग हो गई है डुअल लेयर। ओके। उसके बाद मोरल के कंपोनेंट लग गए हैं, टेस्ला की करती है। उसके बाद अभी इसमें डैशबोर्ड पे सिस्टम लगने वाला, अलग तरीके का सिस्टम इस गाड़ी में भी लगने वाला, वो भी दिखाएंगे। पूरा ही खोल दिया क्या ये? पूरा ही खोल दिया। वायरिंग की क्वालिटी देख पा रहे हो कितने तरीके से टेपिंग वगैरह करके लगा। मोटी वायर है यार ये, किसकी है? 360 की। 360 की वायर, इतनी मोटी। हाँ जी, क्वालिटी अच्छी हो रही। लग गया है। ठीक है भाई। सीट कवर रो है, इस तरह में सीट कवर चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई। ये क्वालिटी देखो यार तार की। हाँ, इतनी मोटी तार, बढ़िया क्वालिटी का काम है। ठीक है भाई। बाकी डंडी वाले आते हैं, डंडी वाले आते हैं मेरा। ये भाई अपने टॉप मॉडल वाले डाल दिए। हाँ जी।
बस बस ये गाड़ी पैक होने से फिर दिखाते हैं दोनों गाड़ी। कुछ भी नहीं बचा गया पीछे? पीछे भी क्रोम लगना बाकी है। ये लाइट लग तो गई, रिफ्लेक्टर लाइट लग गया, डिग्गी लाइट लग गया है। डिग्गी लाइट लग गया, ठीक है। सबकी वर्किंग लास्ट में दिखाएंगे। बस दो कैरेंस ही आज, दो कैरेंस है, एक क्रेटा है, ब्रेजा है, स्कॉर्पियो एन है। अब एक कल ही तो वीडियो डाल दिया, क्रेटा आज आ गई। क्रेटा की तो लाइनअप है हमारे पास, इतना प्यार तो किसी को भी नहीं मिला होगा। लोगों ने 10-10 वीडियो बना करके दिखाया क्रेटा मॉडिफिकेशन करवाओ, लेकिन उनपे एक भी गाड़ी नहीं गई। तो ट्रस्ट है मेरे पे और परवी सिंह भाई को, चैनल को देख करके लोग आते हैं और बढ़िया तरीके से काम करवाते हैं। चलो भाई जी, हम दोनों भाई का सपोर्ट है और ट्रस्ट है कस्टमर के ऊपर, ठीक है। और लेकिन पार्ट्स भी दिखाते हैं, रेट भी देते हैं, बेस्ट क्वालिटी में काम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि दूसरा कस्टमर हमारे पास आए। स्मार्टी बॉय है जी। तो गोलू भाई, गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, कैरेंस का? बिल्कुल, कैरेंस का काम हो चुका है कंप्लीट। अब दिखाने की बारी है, एक एक करके सारे ही जिस जो क्वालिटी हमने डाली है और क्या रिस्पांस रहने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हेडलाइट में डीआरएल की। पहले हेडलाइट में डीआरएल और हेडलाइट की एलईडी और नीचे फोग लैंप, आगे के तीनों ही चीजें दिखाएंगे किस तरीके से वर्किंग रहता है। ठीक है भाई, नीचे अपना डीआरएल ऑन, हेडलाइट ऑन हो गया डीआरएल जी, बिल्कुल। उससे नीचे जाओगे तो अपना फोग लाइट जल चुका है, फॉग लाइट जल गया, हेडलाइट में एलईडी, हेडलाइट में एलईडी 340 वोल्ट की एलईडी रहने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं, कैनवास एलईडी है, एक नंबर चीज है, प्रॉपर फिटिंग है, 340 वोल्ट ऑटो लीड डाला है इसके अंदर। वैसे कोई गाड़ी में ना दिक्कत आ जाती है 340 में भैया, हर गाड़ी के एक अलग अलग चीजें हैं और सब में कैनवास एलईडी है। जिस क्वालिटी का चाहिए, जिस गाड़ी में दिक्कत आएगा हम खुद ही नहीं डालेंगे। चलो, हम पैसों के लिए काम नहीं करते, हम गाड़ी बनाने के लिए काम करते हैं। वो क्या बात है, इतनी बड़ी बात बोल दी गोलू भाई ने, तो बहुत है। उसके बाद एक टर्निंग इंडिकेटर इस तरीके से मिलेगा, नीचे फोग लाइट में टर्निंग इंडिकेटर, उस लो बीम में टर्निंग इंडिकेटर, ये कुछ लुक रहने वाला हेडलाइट फ्रंट प्रोफाइल का। फ्रंट प्रोफाइल का, ठीक है। और क्या करा सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल? और फ्रंट प्रोफाइल टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत चीजें जो करके दिखाएंगे बताएंगे, नहीं ऐसे नहीं दिखाना, ऐसे मजा नहीं आता। चलो भाई ठीक है, साइड प्रोफाइल में रिम रहने वाला तो गाड़ी के लुक को थोड़ा जान मारता है, लेकिन ये अलॉय व्हील डाल लेंगे तो बहुत ज्यादा ही गाड़ी का लुक इनहेंस हो जाएगा। वैसे भी छोटे छोटे लग रहे हैं। हाँ, गाड़ी एक लग रहा है कि हाथी पे चीटी, तो वो चीज है, लेकिन भैया जल्दी चेंज करवाएंगे और उसका लुक अलग ही आएगा। कोई नहीं, पीछे से भैया देख रहे हैं तो बोल रहे हैं ना। हाँ, भैया को बोल रखा, भैया चेंज करवाएंगे हाथी, उसके दोबारा आएंगे, अभी भैया का रिव्यू भी लेंगे। उसके बाद मिरर क्रोम रहने वाला है, ओके, डोर वाइजर रहने वाला है, सब दिखाई दिया। हाँ, लोअर गार्निश से सब चीज दिखा दिया। पीछे चलते हैं, पीछे की तरफ क्वालिटी दिखाते हैं जी, दिखाइए एक बार। थोड़ा आगे करवा दो गाड़ी। पीछे रिफ्लेक्टर लाइट लगा, ब्रेक पार्किंग इंडिकेटर वाला रिफ्लेक्टर लाइट रहने वाला है, ओके। रियर गार्ड सेफ्टी के लिए लगाया भाई, ठीक है। उसके बाद पीछे की तरफ आपको मिलने वाला है प्रॉपरली टेल लाइट, डिग्गी लाइट, जिसको टेल लाइट हम कहते हैं। इसमें दो ऑप्शन होता है, जैसे कि अभी इंडिकेटर दे तो इंडिकेटर में यहाँ चल रहा है, और पार्किंग मोड हो तो इधर का आधा चल रहा है, ठीक है। इसमें पार्किंग, ब्रेक, टर्निंग इंडिकेटर तीनों इसमें भी मिलेगा, तीनों इसमें भी मिलेगा। नीचे रिफ्लेक्टर वो सेफ्टी के लिए रियर गार्ड, ठीक है जी। गार्निश और डिग्गी पत्ती क्रोम रहने वाला, किया का ओरिजिनल, ठीक है। और टेल लाइट क्रोम रहने वाला, किया ओरिजिनल, ठीक है। और इसमें आपको रूफ रेल और एंटीना कंपनी से लग करके आता है, ओके भाई, ओके। चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ एक एक चीज, नई नई चीजें डाली है, वो सब कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है। डुअल लेयर डैम्पिंग हो चुकी है गाड़ी के अंदर, दिखा दी थी गोल्डन, दिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद 18 पीसेस की एम्बियन लाइटिंग लगाई है, जो एक इनर हैंडल में रहेगा, okay. एक डोर पे रहेगा, एक इधर रहेगा, ठीक है। उसके बाद डोर सॉफ्ट टच, इस बार सॉफ्ट टच कर दिया, पिछली वीडियो में थोड़ा हार्ड था, डोर सॉफ्ट टच कर दिया प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद इनर हैंडल की लाइटिंग हमने आपको प्रॉपरली एम्बियन लाइटिंग का लुक दिखाई दिया जी, बिल्कुल। डोर पे जी, यहाँ पे डोर सॉफ्ट टच, नीचे नहीं डाली यहाँ पे, नहीं, यही लाइट हम यहाँ लगा देते हैं, जैसे टॉप मॉडल में आता है, जैसे टॉप मॉडल में आता है। उसके बाद नीचे फुटरेस्ट प्रॉपरली पूरा रहने वाला है, कैरेंस का एस टू एस कोने से कोने तक, ठीक है। उसके बाद कैरेंस का वेलकम लाइट रहने वाला है, ठीक है भाई। पूरी गाड़ी में फ्लोरिंग कर दी है, और फ्लोरिंग का लुक भी चेकआउट कर पा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक, पानी, मिट्टी कुछ भी गया, गीला कपड़ा मारो साफ, ठीक है। 70 मैट डाले हैं नीचे, ओके। उसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल गाड़ी के अंदर लग के आता है, क्रूज कंट्रोल लगाने का एक ऑप्शन रहता है, क्रूज कंट्रोल लगवा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग पे मून डिजाइन रहने वाला है, और एक नई चीज है, वो पहले वो दिखाऊंगा, उसके बाद सीट कवर दिखाऊंगा, ठीक है भाई, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, इस गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड टेक्नो प्रिंट नहीं लग के आता, एक नॉर्मल डैशबोर्ड लग के आता है, जो हमने रिमूव करा है, और उसको चेंज करने के बाद टेक्नो प्रिंट डैशबोर्ड लगाया। हम तो ग्लोसी बहुत करते थे, ग्लोसी चेंज करके कुछ नया चीज करके दिया है। भैया को चाहिए था ब्लैक कार्बन, हाँ। लेकिन ब्लैक कार्बन में 7-8 हज़ार रुपए खर्च करते, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा टेक्नो प्रिंट का लुक है, और ये ब्लैक कार्बन से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। क्या बात है, ये बाहर नहीं हो सकता ना, ये काम बाहर नहीं, और इसकी बारीकी देखो, ये यहाँ यहाँ तक है, और बीच हम ब्लैक जो कार्बन करेंगे ना, तो उसके बीच बीच में ना पूरा शेड आएगा, लेकिन इसमें कहीं कहीं देख लो क्या इसकी फिल्म क्वालिटी रहने वाली है, जो किया नहीं यूज करा है, और यहाँ तक आई, उसके बाद फिर प्लेन, अच्छा, मीटर के पास आंखों में कहीं नहीं चुभे, प्लेन, फिर यहाँ तक नीचे आया, यहाँ तक आया, नीचे प्लेन,
अच्छा। ये फिर प्लेन और यहाँ यहाँ पे फिर टेक्नो प्रिंट रहने वाला है। वो दिख नहीं रहा, उधर से आऊँ क्या मैं? उधर से आओ, उधर से आता हूँ। जय श्री राम, क्या बात है। मैं दरवाजा खोल के यार लुक, और उसके बाद कॉइन होल्डर इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये आ रहा है, ये ग्लास होल्डर और ये कॉइन होल्डर रहने वाले। फ्लैश मार के शेड दिख रहा है, धूप में तो विजिबल होगा, बिल्कुल विजिबल होगा। रात में तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल प्यान नहीं होए, ध्यान नहीं हो रखा है। ठीक है भाई, ये चीज लगा दी भाई। ओए ये तो सॉफ्ट ही पड़ा है, ठीक है, वो पतला ग्लास नहीं आएगा है। चलो भाई ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एम्बिएंट लाइटिंग 18 पीसेस के साथ, ठीक है। उसका सीट कवर AL लाइन वाले सीट कवर जो टॉप मॉडल में रहने वाले हैं, सेम वही सीट कवर। और गाड़ी का जो लुक है ना, एक अलग ही कंट्रास्ट चेंज हो रहा है, जिससे डैशबोर्ड टेक्नो प्रिंट और नीचे के पार्ट्स एंड लुक एक अलग ही एनहांस हो रहा है। क्या बात, पूरी गाड़ी का। ठीक है भाई, ये देखो ये चीज है। हाँ जी, ये कुछ चीजें रहने वाला है और इससे गाड़ी का लुक एक बहुत ही प्यारा इनहेंस हो जाता है। ये पियानो तो इसमें पहले से, पियानो ये कंपनी से ही आता है, देखो कि कंपनी फिटेड सिस्टम रहने वाला तो कंपनी से ही मिलने वाला। उसको हमने कन्वर्जन नहीं करा चेंज कोई एंड्रॉइड में, आप वो भी चेंज करवा सकते हैं। सही लग रहा है, तो वर्थ है पूरा काम, पूरा वर्थ है। उसके बाद इस तरीके से गियर नॉब आपको कंपनी लगा करके देती है, इसको चेंज करके हमने एक गियर नॉब डाल दिया। ठीक है, अच्छा खासा होगा इसमें रेट। नहीं बढ़िया रेट है, आप फोन करें रेट देंगे आपको हम, बेस्ट है। 5,000 का नहीं, महंगा है भाई। इसके बाद गियर नॉब रहने वाला है, उसके बाद आर्मरेस्ट पे लदर रैप, ठीक है भाई। और सीट कवर की फुल एंड फील, पूरे गाड़ी के सीट कवर के लुक चेकआउट कर पा रहे हो क्या रहने वाला है आगे से पीछे तक, सेम टू सेम। ऊपर के छत के बल्ब कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर चुके हैं, ठीक है, यही सारा काम रहने वाला है। अब मिलते हैं कस्टमर से। नहीं कस्टमर से क्यों मिलना, फिर क्या दिखाना है? तो वो नहीं दिखाओगे पीछे जो डंबल दिखाएंगे ना? चलो फिर आओ, फिर बड़ी जल्दी हो रही है, नहीं जाना कहीं, हल्दी हल्दी लगाना। अरे कहीं नहीं जाना तो भाई, अच्छा यार ये बढ़िया गए, ये हर भाई हर गाड़ी में लगाओ ये पार्ट, बढ़िया है। और ये किसी ने नहीं दिखाया होगा अभी तक आपको? नहीं नहीं, अब मैंने दिखा दिया, अब सब लोग दिखाएंगे आपको। करोल बाग में किसी ने नहीं दिखाया अभी, हम भी वहीं खड़े हैं, बोल दो है। ये आगे सीट फोल्ड कर ले, एक मिनट यार, ये एड्रेस नीचे करो थोड़ा, इस बार मैं करता हूँ भाई। अब देखो, अरे मैं ही करूंगा। अच्छा हाँ, चीटिंग करना है तू। ओके, रिपोर्ट पाजी के हाथ से भी चल रहा है। ये बटन में गैप बढ़ा रहा है भाई, कहाँ पे? ओपन यहाँ पे, ये इसी तरीके से बैठता है भैया, प्रॉपर बैठा हुआ, प्रॉपर बैठा हुआ, तभी चल रहा है। चलो भाई ठीक है, नीचे फ्लोरिंग कर दिया है, ओके, ऊपर 70 मैट डल गया है, ठीक है। पीछे की सीट कवर के लुक चेकआउट कर पा रहे होंगे, फिनिशिंग और क्वालिटी वो बंदों ने देखी हुई है, फिनिशिंग वही सेम टू सेम आने वाली है। हां, और डबल पॉकेट्स, डबल पॉकेट सेम, ठीक है बिल्कुल। वाटर बॉटल रख लो, है एक में पेपर रख लो, एक में बोतल बोतल रख लो, पीछे एम्बिएंट लाइटिंग रहने वाला, ये प्रॉपर रहता है। सीट पीछे थोड़ा टेढ़ा करोगे ना भैया, स्टैंड पे आ जाएगा ऐसे। ये देखो रिलैक्स होने के लिए, ये देखो आ तेरी, ऐसे रिलैक्स। ये वाली, इस वाली को भी कर दो। अच्छा इधर से है, ठीक है, अच्छा लेट ना, लेट जाओ है। बस गाड़ी के मालिक पीछे तो आराम से बैठेंगे ना, ड्राइवर आए गाड़ी चलाएंगे। ड्राइवर कह रहे हैं उस्ताद। चलो भाई ठीक, ये लंबी लंबी लाइटें मिल जाती है, ठीक है भाई, ठीक है। मिलते हैं अब कस्टमर के पास। मिलते हैं कस्टमर। हेलो भैया। हेलो भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया, ठीक है। हेलो भैया। जी भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। आपका नाम? रितिक सिंह। आपका? करण चौहान भैया। कहाँ से आए हो? हरिद्वार। हरिद्वार, क्या बात है। आप इनको मिले कैसे हो भैया? यूट्यूब पे वीडियो देखी थी आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके कॉन्टेक्ट के थ्रू आए हो? उसी के कॉन्टेक्ट के थ्रू से आए, ठीक है। और गाड़ी में काम कैसा लगा भैया? गाड़ी में काम बिल्कुल ओके लगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा, बेहतरीन एकदम। और पार्ट्स कैसे डले? पार्ट्स एकदम मस्त, ओरिजिनल पार्ट डले, सारे ओरिजिनल डले। और जो बेस्ट टू टॉप आपने करवाया, वैल्यू फॉर मनी लगे सारे काम? वैल्यू फॉर मनी लगे सारे। और सेटिस्फाइड है आप काम करवा? पूरा सेटिस्फाइड, 110%। और आप भैया? बिल्कुल मजा आ गया। जो डैशबोर्ड में वो करवाया, बढ़िया है ना वो भैया? डैशबोर्ड कैसा है? जो कार्बन था ना उससे बहुत बढ़िया है वो, कार्बन से बढ़िया है वो। नहीं, अपना नहीं, प्यानो से ब्लैक डैशबोर्ड था आपका? हाँ, पहले मैट था, पर आपने फिर डिसाइड करा कि प्यानो ब्लैक, ब्लैक कार्बन कराओगे, क्या कराओ? फिर मैंने भैया ने दिखाई है, मैंने कहा ये उससे ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। उसमें सब कुछ मिल जाता ना, टॉप मॉडल वाला ही है ना, कप होल्डर मिल गया अपना, वो पर एक फील जो है ना गाड़ी के लुक का, वो यही है ना भैया? जी भैया। और सैटिस्फाइड है आप डैशबोर्ड वगैरह? आपने मेरे कहने पे लगवाया, आपको तो सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे। मेरे को तो कार्बन फिनिश में लगवाना था, मैंने कहा ये लगा के देखो, अगर मजा नहीं है तो पैसे वापस। अच्छा जी, क्या बात है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो काफी अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऑल सैटिस्फाइड, बिल्कुल ऑल सैटिस्फाइड। छोटी सी रेटिंग बता दो, 5 में से कितनी देना चाहोगे? 5 ही देना चाहेंगे हम तो, जिस हिसाब से काम हुआ है हमारी गाड़ी का। ठीक है भैया, आप कितनी दोगे?
पांच बजे पास भैया, आप ही की वीडियो देख के आया भैया को, गोलू भैया को तो रोज देखता था वीडियो में जब से गाड़ी ली है। चलो भाई ठीक है, तो गाड़ी की सीट कवर लग रहे हैं, सीट कवर तो बिंदास है बिल्कुल, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ये। अपना भैया ने दिखाए थे सीट कवर? नहीं नहीं दिखाए थे, हम वीडियो में देखा था बस। जी भैया ने कहा सीधा एयरलाइन गाड़ी बना दो आते। कौन सी गाड़ी? एयरलाइन ऑटो लीड लाइन किया कह रहे हैं, टॉप मॉडल बना दो। बस टॉप मॉडल बन गई हमारी गाड़ी, करते हैं फिर। हाँ जी बताइए बताइए। काफी अच्छा लगा भैया से भी मिलके और यहाँ काम करवा के, तो बिल्कुल बढ़िया है। भैया आए थे एक दिन पहले भी आए थे, भैया चाहते तो मार्केट सर्वे भी करते, लेकिन काम भी देखते, क्वालिटी भी देखते, लेकिन भैया ने सीधा ट्रस्ट किया, आए गाड़ी लगाए और काम करते है ना। बिल्कुल भैया ऐसे था ना भैया जी, कॉल पे आया था, लोकेशन मंगाई भैया से, पूछा लोकेशन कहाँ पे है, तो भैया ने कहा यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहीं भी पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं गया पूछने के, डायरेक्ट यहीं पे आया हूँ, उसके अलावा कहीं कभी काम नहीं करा। ठीक है, और भी बंदों को रेकमेंड करोगे आइए काम कराइए? बिल्कुल भी है, जो भी मेरे दोस्त होंगे साथ वाले होंगे जो भी गाड़ी लेंगे उनको यही बोलूंगा सीधा आने के लिए। चलो ठीक है, फुल रेटिंग दे दी। बिल्कुल भैया ने दिया है, कहां जा रहे हैं? एक मिनट एक मिनट, बड़ी जल्दी हो रही है लोकेशन बताने की। भैया जितना भी पैसा लगाया पूरा वर्थ लगा? बिल्कुल भैया सही था, कहीं ये तो नहीं लगा पैसा ज्यादा दे दिया काम कम कर दिया? ना ना, जितना कम से कम हो सका भैया ने करा है। प्रॉपर किया? प्रॉपर। सुबह से आया कुछ खिलाया? बहुत कुछ खिलाया। क्या खिला दिया था ऐसा? चाय नाश्ता हो गया? चाय नाश्ता चलता रहता है। नाश्ता कराया? नहीं यार झूठ ना बोलो यार, नाश्ता पहले भी कराया था, कराया था यानी चाय पिलाता बस भाई। नहीं पिलाया था, पूछा था पर हमारे भूख नहीं थी। चलो भाई ठीक है, करते हैं फिर वीडियो एंड। बताइए अपनी लोकेशन, अगर ऐसे ही कुछ काम कराना है किया गैरेंज, अगर आप ले रहे हैं प्रीमियम या प्रेस्टीज या प्रेस्टीज प्लस या लग्जरी प्लस, पांचों मॉडल में से कोई सा भी मॉडल लेते हैं आप, बिंदास एक बार जरूर आइए। ऑटो लीड कार एसेसरीज दिल्ली करोल बाग में रहने वाली अपनी शॉप, और मॉडिफिकेशन कराना है तो ऑटो लीड कार एसेसरीज जरूर आना है, और जिस तरीके का आपका बजट हो, जैसा आप काम कराना चाहते हैं, सब कुछ तरीके का काम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बताइए लोकेशन बता दी? हाँ जी बताइए, कॉन्टैक्ट नंबर 9871416739। एक बार रिपीट करो, 9871416739। कर दें एंडिंग? बिल्कुल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन, बाय, चंगा जी।